क्या लगता है इस बार कौन भारी पड़ेगा, कांग्रेस या मोदी भारी पड़ेगा? आप मुसलमान है फिर भी? हाँ, मोदी भारी पड़ेगा। वो काहे काहे खिलाता हर चीज करता, वो देंगे हम लोग किसको? अब मुस्लिमों का भी मन बदल रहा है भाजपा के प्रति। हाँ, काहे आसमान को देता है, हर जाति को देता है। यानी आप लोग जो है चाचा मोदी जी से पूरी तरीके से खुश है? हाँ, खूब खुश है। नहीं बोलता है मुसलमान को भगा देंगे हिंदुस्तान से? भगा देगा तो भाग जाएंगे, फिर भी वोट दीजिएगा। हाँ, फिर भी वोट देंगे, रखेगा तो रहेंगे। एक मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में से आप अच्छा नेता किसको मानते हैं? अच्छा तो मोदी को मानते हैं। ए महादेव, मोदी जी के बारे में आता है कि मुसलमानों को जो है मार रहा है, पीट रहा है, भगा देगा। सुने, मार रहा पीट रहा है वो तो नहीं बोल रहा है। अब एल्चा बेल्चा कुछ नगटपनिया कर देता, वो क्या कर सकता? एल्चा बेल्चा करता है। यानी मोदी जी अच्छा नेता है? अच्छा है, हर चीज बंदे रहते हैं। डर से तो ना बोल रहे? डर ऊपर वाला डर, ये इंसान क्या कर, गलती गोली मार देगा, क्या कर सकता है उससे? अच्छा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, हमारे आस पास के है विजय मंडल चचा, क्या लगता है उसको वोट मिलेगा? वोट दीजिएगा, मिल भी करेगा उसी को देते हैं। विजय मंडल, प्रदीप सिंह को हम लोग उसी को वोट देते हैं। प्रदीप सिंह को, प्रदीप सिंह उठा ना, उसको भी देते हैं, उसको भी देते हैं। प्रदीप सिंह विजय अति एमपी हुआ, एमएलए हुआ, तो दो वोट होता ना, सब वोट देता हूं। प्रदीप सिंह का बारे में बोले, तस्लीम बाबू का लड़का सरफराज को टिकट मिलेगा अगर, उधर प्रदीप सिंह होगा, तो सरफराज में और प्रदीप सिंह में किसको वोट दीजिएगा, मुसलमान को कि हिंदू को? हिंदू को देंगे, जब मुसलमान हिंदू वाला बात नहीं है, जी हमको चाहेगा उसी को वोट देंगे, हिंदू मुसलमान क्या बात है? क्या बोले जो आप, मतलब हमको चाहिएगा तो आप ही देंगे, मुसलमान क्या लेना है, हिंदू क्या लेना है, जो काम करेगा उससे हम काम करवाएंगे। चलिए, अप्रैल में 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बिल्कुल ग्राउंड पर उतरकर जनताओं के मन में क्या है, क्या चल रहा है, वो तमाम बातें आप लोगों के सामने आई थी और लोगों से मैंने इंटरव्यू किया था, और मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि 2024 का चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग। हम लोगों से मैं बात करता हूं और जानता हूं कि लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं लोग। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सलामत। मुस्लिम है? हाँ। अच्छा, अप्रैल में चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है इस बार कौन भारी पड़ेगा, कांग्रेस या मोदी भारी पड़ेगा? आप मुसलमान है फिर भी? हाँ, मोदी भारी पड़ेगा। वो काहे काहे खिलाता हर चीज करता, वो देंगे हम लोग किसको? अब मुस्लिमों का भी मन बदल रहा है भाजपा के प्रति। हाँ, काहे काहे अभी हर चीज कर रहा है वो। अच्छा, करेंगे किसको लिए? मोदी जी के बारे में तो विपक्ष कह रहे हैं कि देश को लूट लिया, बेरोजगारी त्राहिमाम पर है। वो बात नहीं, एक टका होता है तो बांट करके सबको देता है। चाचा बैठिए ना। एक रुपया होता है तो मुसलमान को भी देता है, हिंदू को भी देता है, पासवान को देता है, हर जाति को देता है। यानी तो आप लोग जो है चाचा मोदी जी से पूरी तरीके से खुश है? हाँ, खूब खुश है। नहीं बोलता है मुसलमान को भगा देंगे हिंदुस्तान, भगा देगा तो भाग जाएंगे, फिर भी वोट दीजिएगा। हाँ, फिर भी वोट देंगे, रखेगा तो रहेंगे, भगा देगा तो चला जाएंगे। अच्छा, देखिए, ये चाचा जो है हमारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं लोकसभा में मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी कैसा नेता है? बढ़िया नेता है वो। राहुल गांधी बढ़िया ना है? अब वो बढ़िया है ना, ये जो खिलाता है और जो हम लोग को प्रतिपाल करता है। खिलाता तो मालिक है सबको। अरे अभी खिलाता है मोदी, हम लोग को मोदी खिलाता है, मोदी खिलाता है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ चाचा जी? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आप भी मुसलमान हैं? मुसलमान है। 24 का चुनाव है लोकसभा का, अप्रैल में। हाँ। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी?
अभी तो नहीं बता सकेंगे अब किसका बनेगा। हम लोग तो है हर चीज मोदी दे रहा है, मोदी अथी कर रहा है, मोदी जी को वोट दीजिएगा। उस बार पीछे क्या होगा नहीं होगा ये कैसे बताएंगे, आगे वाला भविष्य नहीं बता सकेंगे। अच्छा आपके सामने दो विकल्प है, एक मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में से आप अच्छा नेता किसको मानते हैं? अच्छा तो मोदी को मानते हैं। ए महादेव, मोदी जी के बारे में आता है कि मुसलमानों को जो है मार रहा है, पीट रहा है, भगा देगा। सुने, मार रहा पीट रहा है वो तो नहीं बोल रहा है। अब एलचा बेलचा कुछ नगटपन कर देता तो क्या कर सकता? एलचा बेलचा करता है, क्या करता है? मोदी जी तो अपने बोलते हैं भगा दो, मोदी जी तो नहीं बोल रहा है। अब मतलब हेल्पर है, कुछ से कुछ कर देता है तो सब्सिडी गिरता है। यानी मोदी जी अच्छा नेता है? अच्छा है, हर चीज बंदे रहता है। डर से तो ना बोल रहे, डर ऊपर लग डर ये इंसान क्या कर रहा है, गलती गोली मार देगा, क्या कर सकता है उससे। अच्छा उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, हमारे आसपास के हैं विजय मंडल चचा, क्या लगता है उसको वोट मिलेगा? वोट दीजिएगा, मिलबे करेगा, उसी को देते हैं। विजय मंडल प्रदीप सिंह को हम लोग उसी को वोट देते हैं। प्रदीप सिंह को, प्रदीप सिंह उठा ना, हाँ। भी देते हैं, उसको भी देते हैं प्रदीप सिंह। विजय अथी एमपी वाई एमएलए हुआ तो दो वोट देता ना, प्रदीप सिंह का बारे में बोले तस्लीम बाबू का लड़का सरफराज को टिकट मिलेगा अगर उधर प्रदीप सिंह होगा, तो सरफराज में और प्रदीप सिंह में किसको वोट दीजिएगा, मुसलमान को कि हिंदू को? हिंदू को देंगे, जब मुसलमान हिंदू वाला बात नहीं है, जी हमको चाहेगा उसी की वोट देंगे। हिंदू मुसलमान क्या बात है, क्या बोले जो आप मतलब हमको चाहिएगा तो आप फिर देंगे, मुसलमान क्या लेना है, हिंदू क्या लेना है, जो काम करेगा उससे हम काम करवाएंगे। चलिए ये मुस्लिम चेहरे हैं दो मेरे साथ, इनका कहना है कि हम लोग मोदी जी को, तस्लीम बाबू का लड़का सरफराज है, अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन उसको टिकट देगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदीप सिंह को टिकट देगी, तो किसको वोट दीजिएगा? हम लोग मोदी को देंगे। मोदी को फूल छाप में, एकदम फूल छाप कर दे, फूल छाप फूल छाप। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं सुंदरनाथ धाम में हूँ, आप तस्वीर में आप देख सकते हैं जो बाबा भोलेनाथ है, सुंदरनाथ है, यहाँ पर मैं हूँ और मैं चाय पी रहा था और चाचा लोग भी कहीं ना कहीं चाय का मजा ले रहे थे। मैंने सोचा चाचा के मन में क्या है, मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँ। तो चाचा जी पूरी तरह से बीजेपी भक्त हैं क्या? एकदम, हम लोग वोटो दे करके सब रोज आए हैं उसी को। कहीं चाचा ऐसा तो ना है कि अभी बोल रहे हैं बाद में जो है दे दीजिएगा? कौन जा करके ये है से मतलब हमको जान मार देगा? आप कहते हैं कि नहीं कहूँ मोदी भगा दे, भगा देगा तो चला जाएंगे। देश पर कर्जा जो है उतना खूब कर्जा उले सधाएगा, वही जीतेगा तो फिर। आइए पुजारी जी एक मिनट आइए इधर थोड़ा, दोनों पुजारी जी। ना गलत, देखिए ये गलत बात है पुजारी जी, मेरे साथ एक पुजारी जी हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? रतनलाल गिरी। यही मतलब मंदिर में पूजा जो है अर्चना करते हैं? हाँ मंदिर। 24 का चुनाव है, आप पुजारी जी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जो वर्तमान में है उसी को देखेंगे, और क्या वर्तमान में जो अभी है उन्हीं लोग को देखेंगे। आया मोदी जी को, मंदिर जो बना दिया, हाँ राम मंदिर। राम मंदिर ये मंदिर चाहे मस्जिद हो कुछ भी हो, हमारे हिंदुस्तान में जो आया उनको देख रहे हैं। मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, अच्छा नेता कौन है? अभी तो वर्तमान में तो मोदी जी ने है हो, राहुल को हम देखबे नहीं किए हैं, वो अहबे नहीं किया। अररिया जो आया था, अररिया आया वो आने का जाने का अलग बात हुआ, बात ये हुआ कि जो हमारे देश में आए हुए हैं उनको हम देखें, उसको हम चिन्हे, और राहुल को चिन्हबे नहीं किए, देखबे नहीं। उसका माता था सोनिया गांधी, वो तो कह दिया कि हमको लड़ना ही नहीं करना ही नहीं, वो तो अपने ही सीट में। सोनिया गांधी ठीक थी? हाँ ठीक थे। मनमोहन सिंह वो भी ठीक थे। महक बात यहाँ आ गया कि जो आते हुए पर जो वर्तमान अभी दिखा रहा है तो जनता को तो दिल में तो वही ने जगा दिया, और इससे हम क्या कहेंगे। बाकी बात अररिया लोकसभा के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।